आती दिन की उक्ति हरे नाम की महिमा पर जो की ली गई है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 श्लोक संख्या 107। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय नव वेधा भक्ति पूर्ण नाम हैते हाय। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवो विधियों को पूरी तरह से कर पाता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हरि नाम संकीर्तन अगर करते हैं तो हम सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा पिछली बार चर्चा कर रहे थे, मानसिक हो, कायिक हो, या फिर वाचिक हो, किसी प्रकार का पाप हो उससे मुक्ति मिल जाती है। ना सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्यों से भी मुक्ति मिल जाती है। पहले पाप से, बाद में पुण्य से। पुण्य से कोई छुटकारा देगा? पुण्य तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्यों की वजह से भी दिक्कत जाती है। पुण्यों की वजह से भक्ति में मन नहीं लग पाता, क्योंकि पुण्य जीवन में भोग लेकर के आते हैं, और जब भोग जीवन में आते हैं तो प्रभु में फिर मन नहीं लग पाता, क्योंकि पुण्य है ना, पुण्य की वजह से भोग है, घूमना फिरना, ये यहाँ यहाँ ये खाना वो पीना, फिर कहाँ मन लगने वाला प्रभु के अंदर। तो पुण्य भी दिक्कत देते हैं, पाप दिक्कत देते हैं, शरीर में कष्ट ला करके, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, शरीर खराब है, बीवी खून चूस रही है, पति सन की है, बच्चे कहना नहीं मानते, फैक्ट्री बर्बाद हो गई है, कह 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 तंग आ गए जी, सर पाप पाप कर्म है मुक्तो। तो पाप कर्मों की वजह से व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता, शरीर खराब होता है, कहीं होगा शरीर यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, ढीला ढाला है, माला लटकी हुई है, ऐसे करके, क्योंकि पाप है। तो पाप भी कटते हैं और पुण्य भी कटते हैं, अल्टीमेटली पुण्य भी कटने बहुत जरूरी है। पुण्य की वजह से भी ध्यान नहीं लग पाता भगवान में, आध्यात्मिक पुण्य हो तो बात और, लेकिन भौतिक पुण्य उनकी वजह से मन नहीं लग पाता। तो पहले भगवान का नाम पाप काटता है, और दूसरा वाला एक और पाप है वो है पुण्य, उसको भी काटना बहुत जरूरी है ताकि प्रभु में हमारा मन लग सके। तो इस प्रकार से हरि का नाम जो है ये दोनों काटता है, पहले पाप, उसके बाद पुण्य वाले जो पाप है वो भी काटता है। पुण्य की वजह से पाप होते हैं, ठीक है जी, तो वो भी काटते हैं। अच्छा तो ये भला ऐसा कोई और तरीका भी तो होगा, उससे काट लेंगे क्या, नाम से काटना जरूरी है? सर नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ यही है। जब नवविधा भक्ति, जैसे वैसे हम जानते हैं 64 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस हैं, उनमें नवविधा भक्ति है, उनमें और एसेंस पंचांग भक्ति है, जिसमें डी टी वर्शिप आती है, भाव श्रवण आता है, साधु संग आता है, मथुरावास आता है, और हरिनाम आता है। इनमें सबसे अधिक मुख्य है हरिनाम। तो यानी क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम है हरिनाम। तो जितना इफेक्टिव ये है, अरे बल्कि बाकी जितने भी अंग हैं वो सब इसलिए हैं ताकि हरिनाम की सेवा हो सके। साधु संघ में हम क्या सीखते हैं? हरिनाम। भागवत पढ़ेंगे तो क्या इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे, मैं क्या करूंगा, हरिनाम। चलते हैं वृंदावन लस्सी पीने के लिए, नहीं सर वहां जाके तो हरिनाम। अच्छा और कौन सा बचा? श्री विग्रह सेवा। श्री विग्रह सेवा पूरी होती नहीं बिना हरिनाम के, अगर बाहर हरिनाम ना हो रहा हो, श्री विग्रह सेवा जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो वो भी इसलिए है हरिनाम, वो करने में इंस्पिरेशन क्या मिलती है, अरे प्रभु है मेरे, इनका नाम लेना चाहिए। एवरीथिंग इज मेंट फॉर दिस वन सिंगल एक्टिविटी, चैंटिंग हरे कृष्णा। तो इसलिए सब प्रकार के पापों को क्षय भी करता है ये, और सारी नवधा भक्ति, भक्ति के अंदर जितनी भक्ति की विधियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन की। जय श्रील प्रभुपाद की।